हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और आज बात करेंगे कटरीना कैफ की। ज़रा सोचिए कि कटरीना कैफ अगर सुपर वुमेन के किरदार में नज़र आएं तो क्या आप उन्हें देखेंगे? बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो अभी तक यही सोच रहे होंगे कि कटरीना कैफ हिंदी तो सही से बोल नहीं पाती हैं, एक्टिंग में भी लमसम है, तो ऐसे में सुपर वुमेन के किरदार में उनको देखना कैसा होगा। लेकिन ऐसा होने जा रहा है। अब ज़रा सोचिए कौन सा ऐसा डायरेक्टर होगा जो कटरीना कैफ पर इतना बड़ा दाव लगाने जा रहा है। ये डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि कटरीना कैफ के साथ पहले भी काम कर चुके डायरेक्टर अली अब्बास जफर हैं। जी हाँ, टाइगर फ्रेंचाइजी में अली अब्बास जफर ने सलमान और कटरीना के साथ काम किया था और तभी से अली अब्बास जफर की पहली पसंद कटरीना कैफ ही थी। अब ज़रा फिल्म के बारे में बात करते हैं। खबरें ये आ रही हैं कि फिल्म दो पार्ट्स में बनेगी, दो सीरीज में बनेगी, जिसका बजट लगभग 200 करोड़ होगा। पहली फिल्म का बजट 100 से 120 होगा जबकि दूसरी फिल्म का बजट 80 से 90 करोड़ का होगा। इसमें प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक सब कुछ शामिल होगा। कटरीना कैफ ऐसी पहली इकलौती एक्ट्रेस होंगी जो शायद सुपर वुमन के किरदार में खूब रच बस जाए, और वो इसलिए कि अब से पहले किसी हीरोइन ने शायद ही इस तरह का किरदार निभाया होगा जो अली अब्बास जफर ने उनके लिए लिखा है। एक्टर्स को आपने सुपर हीरो के किरदार में देखा होगा। बेस्ट एग्जाम्पल हैं ऋतिक रोशन, जिनको हम सुपर हीरो के नाम से ही जानते हैं जब से उन्होंने क्रिश सीरीज की है। लेकिन कटरीना कैफ को इमेजिन करना, वो उड़ रही हो या फिर उनके पास कुछ ऐसी पावर्स हो जिनसे वो लोगों को बचा रही हो, दुनिया को बचा रही हो, थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है। लेकिन ऐसा होने जा रहा है और अली अब्बास जफर इसके लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं। माना ये जा रहा है कि अली अब्बास जफर स्क्रिप्ट पर भी काम ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं और कटरीना कैफ भी इस फिल्म को करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। ऐसे में देखना होगा कि अली अब्बास जफर और कटरीना कैफ का कोलैबोरेशन जब इस बार होता है तो क्या कुछ धमाल मचता है, क्योंकि टाइगर फ्रेंचाइजी में दोनों ने जब साथ में काम किया था, नतीजा सब जानते हैं, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 100 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया था। एक बात मैं आपको यहां पर और बता दूं कि कटरीना कैफ की इस फिल्म को लेकर अली अब्बास जफर इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं कि उन्होंने टाइगर फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट छोड़ दिया है। जी हाँ, दरअसल खबरें ऐसी आई थी कि टाइगर 3 को भी अली अब्बास जफर को ही डायरेक्ट करना था, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने कहा कि भाई पूरा टाइम दीजिए टाइगर 3 के प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में और हर चीज़ में, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर आउट हो जाइए। तो अली अब्बास जफर ने स्टेप बैक कर लिया था। उन्होंने कहा था मैं कटरीना कैफ वाली जो फिल्म है उसी को सारा टाइम दूंगा। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कटरीना कैफ और अली अब्बास जफर का जब कॉम्बिनेशन आएगा तो क्या कुछ धमाल मचाएगा। जो भी फिल्म से जुड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, यकीन मानिए, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए।